असल वेलकम टू कोडेनिक्स आज के इस एम एस एक्सएल के लेक्चर में हम ये देखेंगे इंडेक्स फंक्शन क्या होता है मैच फंक्शन कैसे हम अपलाई करते हैं किस तरीके से इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन को एक साथ अप्लाई किया जाता है और इसके अलावा हम ये देखेंगे लिस्ट को चूज, और इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हुए किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा इंडेक्स फंक्शन क्या होता है सबसे पहले बात ये आती है की इंडेक्स फंक्शन क्या होता है इंडेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एम एस एक्सएल का जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा से ट में रो नंबर और कॉलम नंबर दे के कोई स्पेसिफाइड वैल्यू जो उस स्पेसिफिक रो और कॉलम के अगेंस्ट हो तो so, बैटमैन बैंटन बिल्डर मिस्टर नाइट गार्डन स्पाइडरमैन विगल और उनके डिफरेंट जो हमारे रीजन है ईस्ट रीजन नॉर्थ रीजन साउथ रीजन और वेस्ट रीजन में नंबर ऑफ व्यूअर्स लिखे हुए एक रैंडम डेटा सेट है इस डेटा सेट के अगेंस्ट हम चेक करते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या होता है और मैच फंक्शन क्या होता है पहले है जी इंडेक्स फंक्शन हमारे पास ये एक डेटा सेट मौजूद है जिसमें हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स के नेम लिखे हैं है जैसे बैटमैन बैंटन बिल्डर मिस्टर मेकर नाइट गार्डन स्पाइडरमैन विगल और उनके डिफरेंट जो हमारे रीजन है ईस्ट रीजन नॉर्थ रीजन साउथ रीजन और वेस्ट रीजन में नंबर ऑफ व्यूअर्स लिखे हुए हैं ये एक रैंडम डेटा सेट है इस डेटा सेट के अगेंस्ट हम चेक करते हैं कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है और मैच फंक्शन क्या होता है पहले है जी इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स फंक्शन के लिए जो हमारे पास

इंडेक्स टैब सबसे पहले है अरे अरे ये क्या होती है अरे आपके पास डेटा सेट होता है रो नंबर उस डेटा सेट में कौन सी रो में से आप फाइंड uh, करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यू और कॉलम नंबर उसी डेटा सेट का स्पेसिफिक कॉलम अब यहाँ पे जो रो नंबर और कॉलम नंबर मौजूद है आप इन दो वैल्यूज के अगेंस्ट आप इन दो पोजिशन के अगेंस्ट वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं इस अरे से रिलेटेड जो आप डेटा सेट देंगे अब इंडेक्स फंक्शन में जो अरे है वो हमारा ये डेटा सेट है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा रो नंबर क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं अब हमारे पास यहां फॉर मिस्टर मेकर के लिए नॉर्थ रीजन में व्यूज अब मिस्टर मेकर यहां पे किस रो में है ये है हमारे पास फिफ्थ रो में तो हम यहां पे दे देंगे फिफ्थ रो नंबर कॉमा और कॉलम नंबर कौन सा है कॉलम नंबर अगर हम यहाँ पे देते हैं जी नॉर्थ रीजन के लिए क्योंकि नॉर्थ रीजन फाइंड करना है तो कॉलम नंबर है हमारा थर्ड थर्ड कॉलम नंबर दे देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है और ये 50 जो है यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट करता है अब देखते हैं जी मैच फंक्शन क्या है मैच फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको स्पेसिफिक वैल्यू की पोजिशन बताता है आपका जो डेटा सेट है उसमें सो तो मैच फंक्शन ज अबाउट टू फाइंड दोजीशन ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू विद इन दूस टू फाइंडर फाइंड करनी है पोजिशन फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इक्वल मैच कैप लुकऑफ वैल्यू लुकअप वैल्यू क्या है जी इसमें अगर हम देखें तो लुकऑफ वैल्यू मिस्टर मेकर हम वो लुकऑफ वैल्यू दे देंगे मिस्टर मेकर कॉमा ये लुकअप वैल्यू आप लिख भी सकते हैं और लुकअप वैल्यू आप इसी सेल में लिख के उस सेल का एड्रेस भी दे सकते कॉमा लुकअप लुकअप अरे अरे है अब देखिए ये रो में है हमारा डेटा ये प्रोग्राम का तो दिस रो इज अरे और इसके बाद कॉमा आप मैच टाइप में हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं वन फॉर लेस देन जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच एंड वन फॉर ग्रेटर देन हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो एंटर करूंगा ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर हमें ये फिफ्थ वैल्यू दे रहा है हम चेक करना चाह रहे थे रो नंबर फॉर मिस्टर मेकर तो यहाँ पे फाइव जो है ये हमें रो नंबर बता रहे हैं हम जाते हैं जी फिफ्थ रो में फिफ्थ रो में अगर देखें तो ये है मिस्टर मेकर तो इस तरीके से हम मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं रो वाइज टू फाइंड दी रो नंबर और हम कॉलम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैच फंक्शन अप्लाई करते हैं जी मैच टैप लुकअप वैल्यू क्या है जी साउथ के लिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे साउथ रीजन के लिए साउथ अब हम साउथ रीजन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास कॉलम्स में ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट लिखा है रीजन नहीं लिखा साथ और उसके साथ कॉमा आपकी लुकअप अरे कौन सी है जी इस में से इस डेटा सेट में से हम ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कॉमा मैच कौन सा फाइंड तो तो इसका मतलब फोर्थ कॉलम देखें फर्स्ट कॉलम प्रोग्राम व्यूज का सेकंड कॉलम ईस्ट का थर्ड कॉलम नॉर्थ का एंड डी फॉर साउथ इट मीन फोर्थ कॉलम जो है वो साउथ रीजन है इस तरीके से आप कॉलम रोज और उनके अलावा इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हुए आप स्पेसिफिक वैल्यू जो है विद रिस्पेक्टिव पोजीशन के साथ रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ फाइंड कर सकते हैं अब किस तरीके से हम इंडेक्स फंक्शन को और मैच फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं ये देखते हैं अब यहाँ पे इंडेक्स और मैच फंक्शन को देखना है अब यहाँ पे प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास रिजन मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं मौजूद सबसे पहले हम इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट और वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है सेल में क्लिक करते हुए हम जाएंगे डेटा टैब में डेटा टैब में से डेटा वेलीडेशन पे क्लिक करेंगे डेटा वेलीडेशन में क्लिक करने के बाद ये हमारे पास टॉपअप पेज ओपन होता है जिसमें सेटिंग्स है इनपुट एरर अलर्ट हम यहां पे कहेंगे एनी वैल्यू नहीं क्या आना चाहिए लिस्ट आनी चाहिए सोर्स क्या होना चाहिए हम यहाँ पे हम यहाँ से जस्ट इन प्रोग्राम्स के दे देंगे ओके okay पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सेल पे जब क्लिक करते हैं तो ये एरोसाइन नजर आता है और एरोसाइन पे क्लिक करने पे हमें ये प्रोग्राम्स की लिस्ट शो हो जाती है ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वेलीडेशन को यूज करते हुए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं अब यहाँ पे मैं ये फाइंड करता हूँ जी बेंटन के लिए और हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है सेलेक्ट कर लिया अब यहां पे इंडेक्स और मैच फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए हम पहले करेंगे जी इक्वल इंडेक्स टैब यहां पे हमारे पास इंडेक्स फंक्शन में अरे कौन सी होती है जी डेटा सेट कौन सा होता है ये डेटा सेट हमने सिलेक्ट कर लिया इसको मैं फिक्स कर दूंगा बाय प्रेसिंग ए फोर कॉमा अब यहां पे रो नंबर देनी है रो नंबर के लिए अब हमें इस डेटा सेट के अगेंस्ट ये रो के अगेंस्ट ये कॉलम के अगेंस्ट इसमें डेटा चाहिए अब रो और कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट हम सेट्स बनाने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट हम फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम एक ही दफा एक ही सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइन करके फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हमारे पास इस रो नंबर की जगह पे हम अप्लाई करेंगे मैच फंक्शन मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे मैच अब इसमें लुकअप वैल्यू कौन सी है हम इस वैल्यू को देखना चाह रहे हैं इसको मैं फोर से फिक्स कर देता हूँ कॉमा लुकअप अरे क्या है ये जो है रो में मौजूद है तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे इसको मैं फोर से फिक्स कर दूंगा कॉमा मैच कौन सा देखना चाहते हैं हम जीरो से एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हैं जीरो ब्रैकेट क्लोज

अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो ड्रॉप डाउन करने पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं ईस्ट साउथ नॉर्थ एंड वेस्ट की अगर मैं इसको जूम आउट करूँ और ऊपर लेके जाऊं जाऊँ तो साउथ में बेंटन की वैल्यू 125 साउथ में बेंटन की वैल्यू ये है और नॉर्थ में बेंटन की वैल्यू वन थर्टी नॉर्थ में बैंटन की वैल्यू वन थर्टी और वेस्ट में है इसकी वन वेस्ट में ये 140 आ गया अब यहां पे मैंने रीजन जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे रखे बट यहाँ पे जब मैंने फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन किया है तो यहाँ पे हमारा फार्मूला जो अप्लाई हुआ है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रीजन अप्लाई हुआ है तो हमें स्पेसिफिक रीजन के अगेंस्ट वैल्यूज फाइंड आउट हुई हुएंगे अब अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से चेंज करता हूँ तो हर रीजन के अगेंस्ट और हर स्पेसिफिक प्रोग्राम के अगेंस्ट मुझे व्यूज शो होंगे तो दिस इज द इजिएस्ट मेथड

रो आपकी रो नंबर जितने रोज आप मूव करके अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं ऑफसेट को यूज करते हुए वो रो हो सकती है कॉलम आपका वो कॉलम हो सकता है जहां तक आप अपने डेटा सेट पे से डेटा को मूव करके उस स्पेसिफिक कॉलम की प्लेस तक अपना डेटा जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट करना चाह रही है और हाइट और विर्थ आपके डेटा सेट की हाइट और विर्थ से रिलेटेड है अब यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमारा चूंकि ये तीन लिस्ट है हमारे पास डेटा सेट में मौजूद तो इन तीनों लिस्ट का फर्स्ट सेल ये भी सेल हो सकता है फर्स्ट सेल ले लेता हूँ अब हमें रोज और कॉलम के लिए रोज नहीं चाहिए हम रो वाइज नहीं मूव करना चाह रहे हैं हम कॉलम वाइज मूव करना चाह रहे हैं और कॉलम वाइज इस कॉलम तक मूव करके लेके आना क्योंकि ये कॉलम है हमारे पास जिसमें हम डेटा सेट को मूव करके पेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको अगर मैं प्रेस करके एफ फोर पे फिक्स कर देता हूं और ब्रैकेट क्लोज करता हूं अ तो रिजल्ट तो है इसके लिए एक बात याद रखना है, कि जो होता है वो एक कॉलम ओवर चलता है एक कॉलम ओवर जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है सो so, इस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है हमारे पास ये जो हमने कॉलम नंबर दिया है इसमें से हम माइनस वन कर देंगे तो हमें इसी कॉलम में कॉलम वाइज जो माइन डेटा दे रहा है वो माइनस वन करके देगा तो इसमें हम माइनस वन करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये वेनकॉल पे आ गए so, तो हम हम तो हम तो हमारे पास ये फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है और मैं अगर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं तो ये सारी की सारी लिस्ट मेरे पास ऑफ सेट फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे क्रिएट हो जाए अब यहाँ पे डेटा वेलिडेशन के जरिए हमने तीनों लिस्ट का डेटा दिया है किस तरीके से डेटा पे जाके

टैब यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है इंडेक्स नंबर क्या है इंडेक्स नंबर आपका वो कॉलम नंबर है जिस कॉलम में आप लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इंडेक्स नंबर हमारा ये कॉलम नंबर आ जाएगा कॉमा इसको मैं फिक्स कर देता हूँ फोर प्रेस करके कॉमा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी इस सेल की फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू आ जाएगी हमारी ये वारी एंड थर्ड वन इज इस सेल की वैल्यू uh, आ जाएगी रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट सेल बता रहा है सेकंड लिस्ट पे जाता हूँ तो फर्स्ट सेल जो सेकंड लिस्ट का है उसका डेटा बता रहा है और सेम लाइक थर्ड लिस्ट में जाता हूँ तो थर्ड लिस्ट का फर्स्ट सेल का डेटा बता रहा है अब अगर मैं इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लू ये जो सेल्स है करने के बाद मैं F2 प्रेस करूं तो ये मेरा फॉर्मूला एडिट हो एबल में आ जाएगा कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं तो मुझे उस लिस्ट का पूरा जो डेटा है वो इस लिस्ट में आ जाएगा अब यहां से मैं लिस्ट नंबर चेंज करके देख सकता हूं तो ये मेरे पास जो जितने भी सेल्स हैं उनमें जो यहाँ पे डेटा सेट मौजूद था वही डेटा सेट यहाँ पे शो हो रहा है इस लिस्ट में इस मेथड में चूज के जरिए से हम डायनामिक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले बात आती है कि इनडायरेक्ट फंक्शन होता क्या है इनडायरेक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन एम एस एक्सएल का एक स्पेसिफिक सेल है जिसमें आपने डेटा प्लेस किया हुआ है और आप किसी दूसरे सेल में रेफरेंस देते हैं उस सेल का जिस सेल में डेटा प्लेस है तो वो रेफरेंस सेल का डेटा आपके नए सेल में जहां पे आप इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस सेल में शो होगा मैं इस सेल में पहले डेटा वैलिडेशन के जरिए से लिस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूं मैं इस थ्री सेल्स से रिलेटेड और ओके okay प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट वन लिस्ट टू और लिस्ट थ्री का डेटा शो होगा इक्वल पे क्लिक करके यहां पे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करूं और ओके okay पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे लिस्ट वन पे क्लिक किया हुआ है तो लिस्ट वन का डेटा शो हो रहा है लिस्ट तो तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया है कि डेटा शो करवाया है इस सेल में जो हमारा जी फोर्टी वन है जब हम करते हैं, किसी दूसरे सेल में इस जी फोर्टी वन के रेफरेंस के साथ तो हमारे पास जो डेटा शो होता है वो G41 में मौजूद डेटा की चेंजेस के अकॉर्डिंग डेटा हमें जिस सेल में हमने इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई किया उसमें शो होता है सो so, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे जिसमें हमने देखा है कि इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफसेट फंक्शन चूज फंक्शन और इसमें हमने ये देखा है कि इंडेक्स और मैच फंक्शन को किस तरीके से हम एक साथ यूज करते हैं इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है मैच फंक्शन क्या होता है इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइन किस तरीके से यूज कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन को यूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट फंक्शन इंडायरेक्ट फंक्शन और चूज फंक्शन को यूज करते हुए हम किस तरीके से डायनामिक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इफ यू लाइक दीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर